नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमारी ईमेल आईडी हैक हो गई है, या फिर आपको ये लगता है कि हमारी जीमेल की मैसेजेस कोई और पढ़ रहा है, या फिर आपने कभी अपने जीमेल आईडी और पासवर्ड से किसी दूसरे के कंप्यूटर में लॉगिन किए हैं और आप उसे लॉग आउट करना भूल गए हैं, तो फिर इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आप किसी दूसरे के मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में लॉगिन किए हुए हैं तो उस डिवाइस से कैसे साइन आउट करें, या फिर अगर आपको लगता है कि हमारी ईमेल आईडी हैक हो गई है तो कैसे पता लगाएं कि हमारी ईमेल आईडी हैक हुई है या फिर हैक नहीं हुई है। तो इसको जानने के लिए ओपन करते हैं अपने जीमेल एप्स को। दोस्तों, जीमेल एप्स ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहां से अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं इस ईमेल आईडी के बारे में जानना चाहता हूं कि कहीं यह हैक तो नहीं हो गई है, या फिर कहीं यह किसी और के डिवाइस में साइन इन तो नहीं है। तो ये जानने के लिए यहां पे आपको क्लिक करना होगा गूगल अकाउंट पे, यहां पे आप क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों, गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरफ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सिक्योरिटी पे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप जो जो भी एक्टिविटी किए हैं अपने जीमेल से, जैसे कि मैं यहाँ पे साइन इन किया हूँ विंडो में, और इसके बाद मैं पासवर्ड चेंज किया हूँ, उसका यहाँ पे डेट भी दिखला दे रहा है। यहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी जीमेल आईडी किसी और कंप्यूटर या मोबाइल में साइन इन कहीं नहीं है, तो ये पता करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए कि यहाँ पे आप जितने भी डिवाइस में साइन इन रहते हैं, यहाँ पे आपको सभी डिवाइस का डिटेल मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ये फोन है और इसमें मैं साइन इन हूँ, और यहाँ पे एक है विंडो, तो विंडो पे मैं कभी साइन इन नहीं किया हूँ, तो इसका डिटेल जानने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि क्लिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मोर डिटेल का, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये साइन इन 5 मिनट पहले हुआ है, और यहाँ पे आप क्लिक करके इसका आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। ये क्रोम में साइन इन हुआ है और विंडो में साइन इन हुआ है, इंडिया से ये साइन इन किया गया है। अगर आपको लगता है कि इस डिवाइस में आप ही साइन इन किए हैं तो सिंपली आप इसे लॉग आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा साइन आउट पे। अगर आप इस डिवाइस को नहीं पहचानते हैं और लग रहा है कि हमने ये साइन इन नहीं किए हैं, तो आप फिर कंफर्म हो जाइए कि आपकी अकाउंट हैक हो चुकी है और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जीमेल देख रहा है। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा डोंट रिकॉग्नाइज दिस डिवाइस पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज पासवर्ड, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा। पासवर्ड डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना होता है। यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड डाल लीजिएगा, कोई 8 कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालिएगा, और इसके बाद फिर वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देने से आपकी अकाउंट सिक्योर हो जाएगी और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आपके डिवाइस से जो भी व्यक्ति साइन इन रहेगा वो भी साइन आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट कहीं हैक तो नहीं हुआ है, या फिर आप कितने डिवाइस में साइन इन है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके काम की होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।